नदी किनारे दो लोग बैठे मछली पकड़ रहे थे। दोनों बड़े उत्साह में थे और जल्द से जल्द कोई बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरों ने नदी में अपना कांटा फेंका और मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से नदी की तरफ आंखें पसारे मछली फंसने का इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि पहले व्यक्ति के कांटे में एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और दूसरे मछुआरे की तरफ देखते हुए उसने अपनी खुशी जाहिर की। उसने अपने पास रखे एक बड़े से डिब्बे में उस बड़ी मछली को रखा और फिर से एक कांटा नदी में फेंका। इतने में उसके कांटे में कई छोटी छोटी मछलियाँ भी फंस गई। वो खुश होने लगा। करीब एक घंटे बाद दूसरे व्यक्ति के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी, इसलिए पहले व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई मछली नहीं फंस रही हो तो वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन दूसरे मछुआरे ने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी सी मछली फंस गई। उसने दो टूक उस बड़ी मछली को देखा और फिर से नदी में फेंक दिया। ये देखकर पहला मछुआरा बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी मछलियाँ फंसी, लेकिन उसने उन सभी मछलियों को नदी में फेंक दिया। ये सब देखकर पहले मछुआरे से रहा नहीं गया और उसने उस दूसरे मछुआरे से पूछा, तुम्हारे कांटे में कई बड़ी और सुंदर मछलियाँ फंसी थी, लेकिन तुमने वो सभी नदी में क्यों फेंक दी? ऐसा क्यों? दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया, वो सभी मछलियाँ बहुत बड़ी थी, मेरे पास उन्हें पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नदी में फेंक दिया। मैं एक छोटी मछली के तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ जाए और जिसे मैं आसानी से पका सकूँ। उसका जवाब सुन पहला मछुआरा हंसा और उसे सलाह दी, दोस्त अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो उस बड़ी मछली को काट कर तुम छोटे बर्तन में पका सकते हो। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह हैं। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने की जिद में हम अपनी राह में आए छोटे छोटे मौके और अवसर को नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़िंदगी में मिला हर मौका हमें खुशी से स्वीकारना चाहिए और रास्ते खोजने चाहिए कि कैसे इस छोटे अवसर को बड़ी जीत में बदल सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, उन पर ध्यान कभी मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि आप उनसे दो कदम आगे हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने चैनल विवेक वैली को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।